कोरोना से अमवात और मुतासर अफराद में मुसलसल इजाफा। अब 50वें रोज लाहौर में पॉजिटिव केसेस बढ़कर 2532 हो गए। पंजाब भर में 152 नए मरीज हैं। 97,000 तशखीसी टेस्टों के नतीजे में मुसद्दका मरीज 7,646 हो चुकी हैं। अब तक 126 रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि 25 की हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है। कोरोना वायरस से मुतासरा पुलिस एहलकार बढ़ने लगे। लाहौर में सुबह भर में एहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक, 26 मुश्तबा एहलकारों की रिपोर्ट का इंतजार है। आईजी पंजाब का अहम मकामात पर ड्यूटीज देने वाले एहलकारों का टेस्ट करवाने का हुक्म, जबकि 6 रेस्क्यू एहलकारों में भी कोरोना की तस्दीक हुई है। मुतासरीन को क्वारंटीना मुंतकिल कर दिया गया है। लॉकडाउन के बावजूद शहरी कवानीन के खिलाफ वर्जियों से बास न आए, पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। नाकों पर 10,80,000 से ज्यादा लोगों की चेकिंग की गई। दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर 23,500 मुकदमा दर्ज हुए हैं। जखीरा अंदोजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 837 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि आईजी पंजाब की पुलिस अफसरान को कार्रवाई में तेजी लाने की हिदायत। तभी लॉकडाउन से बेरोजगारी का जिन बोतल से बेकाबू, लाखों कमाने वाले लाखों रुपए के मकरूज हो गए। हॉल रोड की 6,000 दुकानों से 30,000 डेली वेजिस मुलाजमीन मुंसलिक। ताजरों के पास मुलाजमीन को तनख्वाहों देने के लिए भी पैसे मौजूद नहीं हैं। सदर ऑल पाकिस्तान मोबाइल एसोसिएशन बाबर महमूद का हुकूमत से SOPs के साथ कारोबार की इजाजत देने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस से निमड़ने के मुतालिक अजखुद नोटिस केस की समाअत। लाहौर रजिस्ट्री से कायम काम एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद शान गिल, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और दीगर की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। अदालत का वायरस से निमड़ने के लिए हुकूमत इकदामात पर इत्मीनान का इजहार, जबकि सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की लाहौर रजिस्ट्री के बाहर City 42 से गुफ्तगू। बोले, लॉकडाउन के दौरान कई कारोबार खोलने की इजाजत दी जा रही है। नैब के बुलावे पर शहबाज शरीफ की पेशी, नैब हुकाम की ऑपोजिशन लीडर से आमदन से ज्यादा असासों पर पूछगछ, हाई प्रोफाइल पेशी पर। नैब ऑफिस के बाहर सख्त हिफाजती इंतजाम। कोरोना से अमवात और मुतासर अफराद में मुसलसल इजाफा। 50वें रोज लाहौर में पॉजिटिव केसेस बढ़कर 2532 हो गए। पंजाब भर में 152 नए मरीज हैं। 97,000 तशखीसी टेस्टों के नतीजे में मुसद्दका मरीज 7,646 हो चुकी हैं। अब तक 126 रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि 25 की हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है। कोरोना वायरस से मुतासरा पुलिस एहलकार बढ़ने लगे। लाहौर में सुबह भर में एहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक, 26 मुश्तबा एहलकारों की रिपोर्ट का इंतजार है। आईजी पंजाब का अहम मकामात पर ड्यूटीज देने वाले एहलकारों का टेस्ट करवाने का हुक्म, जबकि 6 रेस्क्यू एहलकारों में भी कोरोना की तस्दीक हुई है। मुतासरीन को क्वारंटीना मुंतकिल। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी, जुमे के रोज होने वाले पंजाब असेंबली के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में कोरोना के तदारुक के लिए किए जाने वाले हुकूमती इकदामात पर भी बहस की जाएगी। शहर में दिन भर मौसम गर्म और खुश्क रहा। आइंदा 24 घंटों में दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने बारिश की नवीद भी सुना दी है। शहर में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए 3 नए मंसूबे डिजाइन करवाने की तैयारी शुरू। LDA गवर्निंग बॉडी ने मंजूरी दे दी है। अकबर चौक अंडरपास, क्रीम ब्लॉक अंडरपास और बचत मार्केट अंडरपास और फ्लाई ओवर मंसूबे डिजाइन किए गए हैं। तामीराती इंडस्ट्री को सहूलियात की फराहमी का फैसला। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के बिल्डिंग बाईलॉस 2017 में तरामीम कर दी गई हैं। मल्टी स्टोरी इमारत की कम अज कम हाइट 38 से बढ़ाकर 48 मुकर्रर की गई है। अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट, डिजाइन और कैलकुलेशन लाजमी करार दी गई है। मार्केट की तामीर के लिए कम अज कम 4 किनाल इराजी लाजिम करार दी गई है। पार्किंग ना छोड़ने पर 3.5 लाख की गाड़ी जुर्माना होगा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में कमी। इंटर बैंक में डॉलर 26 पैसे सस्ता हो गया। कीमत 159.91 रुपए हो गई। होटल्स में मुकीम क्वारंटीना मुसाफिरों को गैर मियारी और महंगे दामों खाना फराहम करने का मामला है। वजीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया है। इंक्वायरी का हुक्म देते हुए कमिश्नर लाहौर और पंजाब फूड अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब की गई।
विफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रो तबादले, डेप्टी डीजी इंफॉर्मेशन एकेडमी समीना फरजीन, ज्वाइंट सेक्रेटरी वजीर इतलात तायुनात, जहांगीर मुश्ताक विरक ज्वाइंट सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तायुनात हुए हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत इतलात मुस्तैन अहमद अलवी को एस्टेब्लिशमेंट वर्जन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, जबकि पंजाब हुकूमत ने स्पेशल पर्सन की मदद के लिए बनाई कंपनी पर ताले डाल दिए हैं। महकमे स्पेशल एजुकेशन की जानिब से महकमे कानून को कंपनी बंद करने की समरी अरसात की गई है। कोरोना के सबब लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स की बंदिश से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। पहले 29 रोज में सरकारी खजाने को 1 अरब 35 करोड़ से ज्यादा खसारे का सामना, जबकि 22 अप्रैल से महदूद सतह पर खुलने वाले सेंटर्स पर तहाल तलाफी न हो सकी। नादरा दफातर खुलते ही अवाम का जमे गफीर उमड़ आया। शहरियों ने समाजी फासला बरकरार रखने के अहकाम हवा में उड़ा दिए। पीको रोड, शिमला पहाड़ी और दीगर इलाकों के नादरा सेंटर्स पर शहरियों की भरमार। मेगा सेंटर्स में ड्यूटी पर मामूद पुलिस एहलकार चकरा कर बेहोश हो गया। पुलिस वैन में डालकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। स्कूल मालिकान को इदायों में बड़ी कटौतियां। पीफ पैटर्नर्स स्कूल मालिकान का 8 मई को पंजाब असम्बली के सामने धरना देने का ऐलान। 3 लाख से ज्यादा पीएफ पार्टनर्स स्कूलों के असातिज़ा 4 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। रमजान का पहला अशरा इख्तिताम पजीर, मगर महंगाई ना थम सकी। सब्जियां और फल आम आदमी की पहुंच से दूर, मुर्गी की कीमत को भी पर लग गए। एक ही रोज में मुर्गी का गोश्त 32 रुपए फी किलो महंगा, लीमू 400 से 500 रुपए किलो, आलू 60 से 70, प्याज 50 से 60 रुपए फी किलो तक फरोख। जिले इंतजामिया का गिरफ्तारों के खिलाफ मुहिम का दावा। 272 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की 42 मकामात पर इंस्पेक्शन, 1,54,000 जुर्माना, 3 गिरफ्तारों को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। गैस कंपनी का स्मॉल इंडस्ट्री सोसाइटी में दूध की दुकान पर छापा। घरेलू मीटर की आड़ में कमर्शियल इस्तेमाल के इंकशाफ पर कनेक्शन मुनकता करके लेबोरेटरी रिपोर्ट की रोशनी में डिटेक्शन बिल चार्ज करने का फैसला किया गया है। एलडीए का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। अमले ने आर्किटेक्टिंग सोसाइटी में पार्क की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी। रमजान मुबारक में कत्ल की वारदातों में इजाफा। पहले अशरे में डकैती मजाहमत और दीगर वजूहत पर 6 अफराद कत्ल, 6 जख्मी। 9 रोज में डकैती और राहजनी की भी 170 से ज्यादा वारदातें। पुलिस कारकर्दगी पर सवाल या निशान। पंजाब की मातहत 600 अदालतें जजीज से महरूम। जेरे इल्तिबा मुकदमात की तादाद 10.5 लाख से तजावुज कर गई। नाम भिजवाने के बावजूद जजीज की तायुनाती इल्तिबा का शिकार है। बरवक्त फैसले न होने के बायस वकला और साइलीन परेशान। हाईकोर्ट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की अपग्रेडेशन का केस। अदालत का दोनों दाखिला फहरिस्तों को यकजा करके कल हतमी लिस्ट पेश करने का फैसला। समाज पर वाइस चांसलर यूएचएस प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम भी पेश हुए। कर्जों की वसूली में बैंकों मालियाती इदारों को मुश्किल का सामना। कारोबारी गैर यकीनी के सबब नादहिंदा अफराद की तादाद में इजाफा। बैंकों और मालियाती इदारों की जानिब से रोजाना 5 से 10 नए केसेस दायर हुए। लॉकडाउन के दौरान पंजाब असेंबली का इजलास। 8 मई के इजलास में हुकूमत ऑपोजिशन के 100 अरकान शिरकत करेंगे। इजलास 4 दिन जारी रहेगा। ऑपोजिशन को रिम की निशानदही नहीं करेगी। अरकान ग्लव्स और मास्क पहनकर कार्रवाई में शरीक होंगे। डेप्टी स्पीकर की जेर सदारत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हुकूमत ऑपोजिशन ने SOPs तय कर लिए। शहबाज शरीफ से असासों का पूछकर नैब ने कुछ बुरा नहीं किया। 2 पेशियों से वो कोरोना के नाम पर पुतली गली से भाग रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तला'आत फ़ैज़ुल हसन चौहान की FC यूनिवर्सिटी में राशन तकसीम के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान में हर 4 में से 1 शख्स लॉकडाउन से मुतासिर हुआ है। 9 मई के बाद कम रश वाले कारोबार खोले जा रहे हैं। जिला इंतजामिया और बल्दिया लाहौर की टाइगर फोर्स के साथ पहली बैठक। एडिशनल डेप्टी कमिश्नर रेवेन्यू असगर जोया का फोर्स के रजाकारों को लेक्चर। फोर्स कोरोना वायरस के खिलाफ रिलीफ सरगर्मियों और दीगर अमूर में बिला मुआवजा खिदमात अंजाम देगी। टाइगर फोर्स गिरफ्तारी के खिलाफ भी मैदान में मौजूद है। LDA गवर्निंग बॉडी ने वासा के तमाम एजेंडों की मंजूरी दे दी है।
बढ़ती आबादी और जरूरियात के पेश नजर बासा का तजवीज करदा मास्टर प्लान 2040 मंजूर। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सालफीन को वाटर चार्जेस में रियायत देने की भी मंजूरी दी गई। और लॉकडाउन की फरागत में पीसीबी का शायकीन से दिलचस्प सर्वे, नेशनल क्रिकेट हिस्ट्री की मकबूल तरीन मिडल ऑर्डर जोड़ी का इंतखाब। 8 लाख सोशल मीडिया सारफीन की पटारी में से कुराफाल मोहम्मद यूसुफ और